4700 साल बाद अब तक जीवित, बगीचे में फेंका हुआ, जिसकी पूजा नहीं होती फिर भी जीवित। 4700 साल पहले वहां एक पूर्ण विकसित मंदिर था जिसमें लगभग 5 फीट ऊंचा लिंग था। हमने रुद्राक्ष रखकर दिखाया कि किस तरह अलग अलग जगहों पर लिंग अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। सारा यूरोप इस तरह के मंदिरों से भरा हुआ था। मैं सिर्फ 2 सप्ताह पहले तुर्की में था। आपने कोनिया के बारे में सुना है? बाहर बगीचे में ढेर सारे टूटे हुए टुकड़े थे, विशाल चेहरे, आधे अधूरे चेहरे, कई तरह की चीजें। पुराने मंदिरों को तोड़कर बुनियाद के पत्थर बना दिए। तो हम बस यूं ही चल रहे थे तो बगीचे में मुझे एक लगभग 4.5 फीट या उससे अधिक, करीब 4 फीट 9 इंच का लिंग मिला। पूरी विधि से बनाया गया लिंग, एक अंडाकार पत्थर। मैंने कहा वाह। और जब हमने उसका इतिहास वगैरह खोजा तो पता चला कि ये लगभग 4700 साल पुराना है। 4700 साल पहले वहां एक पूर्ण विकसित मंदिर था जिसमें लगभग 5 फीट ऊंचा लिंग था जिसे पूजा जाता था, और इतने साल पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, अब तक जीवित है। छोटी दरारें थी तो वो थोड़ा बिगड़ चुका था, और मैं बस उन 3-4 लोगों को दिखा रहा था जो मेरे साथ थे कि लिंग पर हर बिंदु अलग है। लिंग पर अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग तरह से बनाया गया था, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। जिसने भी उसे बनाया था वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो कोई सरल काम नहीं, बहुत सूक्ष्म काम था। 4700 साल बाद अब तक जीवित, बगीचे में फेंका हुआ, जिसकी पूजा नहीं होती फिर भी जीवित। थोड़ी बहुत दरारों के कारण उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, मगर उसकी मौजूदगी बरकरार थी। मैंने लोगों को दिखाया, मैंने महसूस किया, पर वो देखना चाहते थे, इसलिए हमने रुद्राक्ष रखकर दिखाया कि किस तरह अलग अलग जगहों पर लिंग अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। तो अतीत में ये काम खूब किया गया है, मगर जब बहुत ही, आप जानते हैं, जब मेरा रास्ता या कोई रास्ता नहीं वाला रवैया आया, तब इन चीजों को धराशाही कर दिया गया कई तरीकों से, वरना सारा यूरोप इस तरह के मंदिरों से भरा हुआ था। इस तरह के प्राण प्रतिष्ठित स्थान थे। पूरब के इन मंदिरों को कभी प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं बनाया गया था। भारत में भी आज भी मंदिर में कोई प्रार्थना नहीं करवाता। आपको वहां प्रार्थना या पूजा नहीं करनी होती, मगर आपको बस वहां बैठकर आ जाना होता है। विचार ये था कि लोग जाकर वहां बैठेंगे और लाभ उठाएंगे। मंदिरों को इसी तरह बनाया गया था, कोई पुजारी या प्रार्थना नहीं, बस रखरखाव करने वाला एक शख्स होता था जो अब खुद को पुजारी कहता है। कुछ परिवारों को उस स्थान की पवित्रता कायम रखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती थी ताकि वो एक खास तरीके से चलता रहे। आपको बस वहां जाकर थोड़ी देर बैठना और वापस आना होता था। दक्षिण भारत में ये परंपरा अब भी जीवित है, उत्तर में वो बिगड़ गया है क्योंकि उत्तर भारत ने विदेशी हमले झेले जिससे दक्षिण भारत बच गया। दक्कन का पठार विदेशी हमलावरों से आमतौर पर अछूता रहा। तो आपको बस वहां बैठना होता था, कोई प्रार्थना नहीं करवाता, कोई आपको प्रार्थना नहीं सिखाता, कोई नहीं कहता कि आपको ये या वो करना चाहिए। आप बस वहां बैठ के इसे आत्मसात करते हैं क्योंकि ये सब प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। ऐसे कई बनाए गए थे, उन सभी को तोड़ दिया गया। कुछ जो बचे हैं वो आमतौर पर भारत और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हैं, वरना सारा अरब और यूरोप प्रतिष्ठित स्थानों से भरा हुआ था।